संसार का उपादान तो एक है, अब उसमें कैसी शकल बनाई जाए जिसके लिए कर्म मुख्य रूप से होता है, तो शकल सूरत कैसे बनती है, मनुष्य का जीवन कैसे बनता है, तो वासना से बनता है। देखो कयाधूति असुर और उसका पति हिरण्य कश्यपु, कश्यपु भी असुर था, लेकिन उन दोनों का जो बेटा आया उपादान वही है, मसाला वही है, हिरण्य कश्यपु का वीर्य भी वही और कयाधु का रज भी वही, लेकिन नारद जी ने ऐसे ढंग से दोनों को बैठाया, गुण दिया कि उसमें से प्रहलाद पैदा हो गए। गर्भावस्था में ही मनुष्य के जीवन का निर्माण हो सकता है यदि वासनाएं ठीक रहे। अब काम बस स्त्री, काम बस पुरुष, काम के वेग में मिले और बीच में भी जब बच्चा पेट में रहता है ना, तब भी जो बच्चे की माँ है वो काम से आक्रांत रहती है, कामना के बस में रहती है और काम भोग करती है और खाना पीना संग साथ बातचीत, तो ऐसी बुनाई हो जाती है कि मनुष्य के जीवन की दिशा ही बदल जाती है। नारद जी ने प्रहलाद जी के जन्म की देखो दिशा ऐसी बदली कि गर्भ में ही वे परम भक्त हो गए और जब बच्चे हुए तब तो उनको ऐसा लगे कि जैसे भगवान ने उनको गोद में ले रखा है, उनके लिए हंसे, उनके लिए बोले, उनके लिए चुप हो जाए, उनसे लड़े, उनके ध्यान में मगन हो जाए। ये जीवन का निर्माण गर्भावस्था में ही हो गया, तो ये वासना जो है वो किस प्रकार जीवन का निर्माण करती है, दैत्य को भी देवता बना देती है, इसका वर्णन नारायण सातवें स्कंध में है। तो पांच अध्यायों में पहले अध्यात्म प्रकरण है और बीच में नृसिंहावतार और देवताओं की स्तुति, ये पांच अध्याय अधिदेव प्रकरण है और नारायण पांच अध्याय जो अंतिम है वो अधिभौतिक आधिभौतिक प्रकरण है, माने हमको अपने जीवन में धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए। तो दसवें अध्याय में जब प्रहलाद का राज्याभिषेक हो गया, नरसिंह भगवान चले गए, अंतर्धान हो गए, तो प्रसंग बस उसमें ये आया कि शंकर जी के जीवन में भी एक बार कोई संकट आ गया था त्रिपुरासुर का। ये महाराज तीन प्रकार की, एक लोहे की, एक चांदी की और एक सोने की, तीन प्रकार की पूरी है, तमोगुणी रजोगुणी और सत्वगुणी, और इनमें अभिमान करके बैठा हुआ है त्रिपुरासुर और शंकर जी उसको मारना चाहते थे, धनुष बाण सब की तैयारी की, पर उसके पास तो अमृत कुंड था,
रहा हो, ये अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है त्रिगुण की धारा, ये है नारायण। अब उसमें अमरता अमरता भरी हुई है, तो ये बिना विष्णु के इसको कोई मार नहीं सकता, माने इसके लिए व्यापक दृष्टि की जरूरत पड़ती है। और जब तक ब्राह्मण बनोगे क्षत्रिय से तकरार करोगे, नारायण हिंदू बनोगे मुसलमान से लड़ाई करोगे, और मनुष्य बनोगे पशु को मारोगे, तो जब तक सर्वव्यापक विष्णु भगवान की सहायता प्राप्त नहीं होवे, तब तक इस तमोगुण रजोगुण सत्वगुण के चक्कर से कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए विष्णु भगवान जब आके शंकर जी के बाण पर बैठे, तब त्रिपुरासुर की मृत्यु हुई और शंकर जी के यश की रक्षा भगवान ने कर दी, जैसे प्रहलाद की रक्षा की थी। इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से प्रश्न किया कि महाराज हमको धर्म बताओ, तो उन्होंने बताया कि सनातन धर्म जो है वो दो तरह का होता है, एक सामान्य धर्म और एक विशेष धर्म। जो लोग मजहब नहीं मानते हैं उनके जीवन में सिर्फ सामान्य धर्म होता है, वो बताएंगे सत्य बोलो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी का माल मत चुराओ, वो सामान्य धर्म होता है। लेकिन विशेष धर्म वो होता है जब धर्म का थोड़ा बंटवारा कर लेते हैं, ब्राह्मण इस धर्म का पालन करे, क्षत्रिय इस धर्म का पालन करे, वैश्य इस धर्म का पालन करे, शूद्र इस धर्म का पालन करे, इसको विशेष धर्म बोलते हैं। ये विशेष धर्म होने से व्यवस्था जो है जगत की ये बहुत बढ़िया चलती है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे अपने शरीर में चलने के लिए पांव है और माल मसाला रखने के लिए पेट है और काम करने के लिए हाथ है और ज्ञान का विभाग ऊपर होता है सिर में, कान है, आंख है, त्वचा है, नाक है, जीभ है, तो सिर में ब्राह्मण विभाग है, सन्यासी विभाग है, और हाथों में क्षत्रिय विभाग और वानप्रस्थ विभाग है, और पेट में वैश्य विभाग है नारायण और गृहस्थ विभाग है, और पांव में ब्रह्मचारी और शूद्र विभाग है नारायण। जैसे अपने शरीर में चार वर्ण होते हैं, चार आश्रम होते हैं, इसी प्रकार विराट के शरीर में भी चार वर्ण और चार आश्रम है नारायण। तो सत्य अहिंसा अस्तेय आदि जो है कहिए तो सामान्य सबके लिए है, स्त्री हो पुरुष हो नारायण, देशी हो विदेशी हो, भूगोल खगोल के किसी भी भाग में रहता हो, उसको सच बोलना चाहिए, दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। 30 नाम भागवत में लिए गए हैं सामान्य धर्म में, भगवान की भक्ति करना भी सामान्य धर्म है नारायण, और शांति शांति प्रति शिक्षा ये भी सामान्य धर्म है, और विशेष धर्म है अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार नारायण धर्म का पालन करना। अब ब्राह्मण को मन शांति मन में शांति रखना चाहिए, इंद्रियों का दमन रखना चाहिए और उसको सहनशीलता रखनी चाहिए, विद्या अध्ययन करना और यज्ञ करना और दान करना, ये भी ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण भी सिर्फ दान ले और दान करे नहीं नारायण, तो राजा को अधिकार हो जाता है जो उसे छीन ले। सो नारायण इसी प्रकार और क्षत्रिय का धर्म जो है वो भी पढ़ना और नारायण यज्ञ करना दान करना ये है। जीविका के लिए ब्राह्मण को है पढ़ाना यज्ञ कराना और दान लेना, और यदि ब्राह्मण दान न ले तो वो सर्वोत्तम ब्राह्मण उसको माना जाएगा वो। और क्षत्रिय जो है इसको शस्त्र से रक्षा के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए, उसको यज्ञ कराना पुरोहिती का काम नहीं करना चाहिए, उसको दान नहीं देना चाहिए,
और यदि ब्राह्मण पढ़ाने वाले मिलते हो तो उसको पढ़ाना भी नहीं चाहिए। पढ़ाने की जो जीविका है वो ब्राह्मण के लिए है, इस प्रकार व्यवस्था है। इसको विशेष धर्म बोलते हैं, नारायण व्यवस्था पूर्वक मनुष्य को जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी प्रकार नारायण स्त्री जो घर में होती है वो तो खजांची है महाराज, पुरुष बाहर से कमा के ले आवे और सब उसके हाथ में दे देना चाहिए, अब तुम संभालो। ऐसा विश्वास पात्र आदमी पुरुष को तो और कोई मिल नहीं सकता, उसके साथ विवाह हुआ जिंदगी में कभी छूटना नहीं है, अपने साथ रहेगी। सो नारायण घर को संभाले, बच्चों को संभाले, नारायण खान पान वस्त्र आभूषण घर गृहस्थी की सारी जिम्मेवारी इसलिए बन रहे हैं, और स्वयं उसको हमारे आधा आधा बांट लो, बाहर का हिस्सा पुरुष के लिए और भीतर का हिस्सा स्त्री के लिए, और जिम्मेवारी माल मसाला तो सारा का सारा स्त्री के हाथ में होना चाहिए। और अब इस प्रकार से और स्त्री को हमेशा श्रृंगार करके रहना चाहिए, ये नहीं कि बाहर जाए तब श्रृंगार करे, घर में भी रहे तो श्रृंगार कर रख करके बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण शरीर चलने में बोलने में बैठने में काम करने में सब जगह उसकी सुरुचि उसकी सुंदरता नारायण उसकी प्रियता प्रकट होनी चाहिए नारायण, जिससे पुरुष का आकर्षण स्त्री के प्रति बना रहे, इस ढंग से स्त्री को गर्व रहना चाहिए। करवा करवा कभी नहीं बोलना चाहिए, और नारायण जहाँ झुकना हो वहाँ झुक जा, और जहाँ काबू में करना हो वहाँ काबू में कर ले, कभी तगड़ी पड़ जाए कभी नरम हो जाए नारायण, दिन में झगड़ा कर ले तो रात को मेल कर ले नारायण, स्त्री को बहुत समझदारी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ब्रह्मचारी को गुरु की सेवा करना चाहिए, जब गुरु आज्ञा करें तब उसको पूजन करना चाहिए, जब गुरु आज्ञा करे तब सोना चाहिए, जब गुरु आज्ञा करे तब पढ़ना चाहिए, और अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, और सहनशीलता का ऐसा अभ्यास ब्रह्मचारी के जीवन में हो जाना चाहिए कि जीवन में जितना भी संकट आवे उसको वो सहन कर सके। और नारायण ये जीवन जो है वो संयम सीखने का है, सेवा सीखने का है, तपस्या करने का है, आज्ञा पालन अनुशिष्ट बनाने का ये जीवन है ब्रह्मचर्य, ये सबके जीवन में आने चाहिए। और यदि ब्रह्मचर्य काल में घर से बाहर है, माता से दूर पिता से दूर शहर के भोग में वातावरण से दूर यदि जंगल में रहे गुरुकुल में रहे नारायण, तो उसको स्वावलंबी रहने की शिक्षा जीवन भर के लिए मिल जाती है। अब नारायण ये गृहस्थाश्रम तो बीच का एक समझौते का आश्रम है, इसमें अपने को जब भोग की वासना तो है तो उसको असीम न करें, सीमित कर दें, माने एक स्त्री और एक पुरुष, पुरुष को दूसरे स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए और स्त्री को दूसरे पुरुष के पास जाना नहीं चाहिए, इस तरह से अपने जीवन में संयम करने का अवसर आता है। कौन सा धन ले और कौन सा धन न ले इसका उसको विवेक होना चाहिए, कौन सा भोग करे और कौन सा भोग न करे इसका विवेक होना चाहिए, और देवता की पूजा अतिथि का सत्कार जिन लोगों के घर में रोटी नहीं बनती है रसोई नहीं पकाई जाती है उनके भोजन की जिम्मेवारी भी अपने ऊपर गृहस्थ को रखना चाहिए। ब्रह्मचारी है वानप्रस्थ है संन्यासी है नारायण, और जो लोग विद्या व्यसनी है विद्या में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो चिंतन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो ध्यान में सत्संकल्प में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके खान पान रहन सहन की जिम्मेवारी गृहस्थ पर होती है।
यदि गृहस्थ का ध्यान नहीं रखेगा तो वो वेद विद्या छोड़ देंगे, शास्त्र विद्या छोड़ देंगे, फिर संस्कार कराने वाला कोई नहीं मिलेगा। और संस्कार तो गर्भाधान के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। किसी के शरीर में मैल लगी हो तो उसको धोना, तो रज बीज का जो मैल है उसको धोते हैं महाराज गर्भाधान संस्कार के दिन वेद मंत्र पढ़ के उसकी ध्वनि से और क्रिया से और उसको धो देते हैं। उसके बाद कुल सवन संस्कार होता है दूसरे तीसरे महीने में, जब बच्चा आवे गर्भ में तो ब्राह्मण लोग आके मंत्र पढ़ते हैं और नारायण एक औषधि देते हैं स्त्री को खाने के लिए। सातवें महीने में सीमंतो नयन संस्कार होता है, फिर जात कर्म होता है नारायण, उसके बाद नामकरण होता है, अन्नप्राशन होता है, मुंडन होता है, फिर नारायण यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वेदाध्ययन होता है नारायण, विवाह होता है। ये धर्म की जितनी भूमिका है ये वेद शास्त्र से जो लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए होता है। तो अब खेती करने लगेंगे या नौकरी करने लगेंगे या व्यापार करने लगेंगे तो ये जो संस्कार कराने वाला जीवन है उनका नष्ट हो जाएगा। इसलिए गृहस्थों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको कोई तकलीफ ना हो, धर्म का जो विभाग है उसको बिल्कुल संभालें नारायण। और गृहस्थ को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आगे हमको त्यागी होना है तो महाराज वो आगे चल करके वानप्रस्थ आश्रम में रहे, पति और पत्नी दोनों साथ रहें, परंतु ब्रह्मचर्य से रहें और भोजन भाजन में पकाने का ज्यादा झगड़ा न रखें। जो पका पकाया मिलता है सूर्य की रोशनी में पक जाता है, पेड़ पर पक जाता है, जमीन में पक जाता है, खेत में पक जाता है, उसी के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करें। गर्मी सर्दी नारायण बरसात सबको सहन करें, ऐसे वानप्रस्थ का जीवन व्यतीत करें और नारायण बाद में सन्यासी हो जाए। जिसके मन में ये संकल्प रहता है कि अंत में हमको त्याग करना है, वो जीवन काल में भी किसी चीज में ज्यादा आसक्त नहीं होता है। कोई छूट जाए, कोई बिछुड़ जाए, नारायण कुछ कमी पड़ जाए तो उसको ख्याल रहेगा कि अंत में तो एक दिन छोड़ना ही था, चलो आज छूट गया, भगवान की बड़ी कृपा हुई। सो नारायण अंतिम जीवन में त्याग का संकल्प मनुष्य के मन में अवश्य होना चाहिए। केवल काम धंधा करने जीवन नहीं है, विश्राम भी जीवन है। जैसे जागना जीवन है तो सोना भी जीवन है, ऐसे काम करना जीवन है तो विश्राम भी जीवन है। तो अंत में विश्राम का जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसको बोलते हैं संन्यास। तो प्रहलाद जी महाराज एक बार विचरण कर रहे थे अपने राज्य में, तो सह्य पर्वत संज्ञाद्री को बोलते हैं इधर, सह्य पर्वत कावेरी नदी का तट, वहां उन्होंने देखा कि एक संत भूषण महात्मा महाराज शरीर में धूल लगे हुए और लंगोटी पहने हुए और ऐसे मोटा तगड़ा बड़ा मस्ताना पड़ा हुआ था। तो प्रहलाद जी तो बड़े दीप से महाराज नृसिंह भगवान से नहीं डरे, न वो चले गए उसके पास और जाके पूछ लिया कि क्यों महाराज आप इतने मोटे तगड़े हो और सकल सूरत से अच्छे लगते हो और पढ़े लिखे विद्वान भी मालूम पड़ते हो, बड़े समझदार भी हो, तो तुम्हारे पास न खेती है न गृहस्थी है और न दुकान है न नौकरी है, कोई व्यापार तो करते नहीं हो, तुम्हारा शरीर इतना मोटा तगड़ा कैसे हो गया? बिना खाए पिए बिना भोग के तो शरीर मोटा तगड़ा होता नहीं और तुम्हारे पास भोग की कोई सामग्री नहीं है और भोग की सामग्री के लिए कोई उद्योग भी नहीं है कि तुम कोई मेहनत मजदूरी करो।
कोई उद्योग भी नहीं है तुम्हारे पास, तो इतने मस्त और इतने खुश तुम क्यों हो? अब तो महाराज दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता। अब दत्तात्रेय जी तो बड़े ही खुश हुए, आओ आओ तुम तो भगवान के भक्त हो, हम तुमको पहचानते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न तुमने किया, संभाव लियो ही भगवान, आपका तो आदर करना चाहिए नारायण। और उनको बैठा के और फिर बताया कि देखो जी, जन्म जन्म में अनादिकाल से तक हम सृष्टि में भटकते रहे और नारायण कहीं सुख शांति की प्राप्ति नहीं हुई, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और कभी मांस खाने के लिए घी धोना पड़ा तो कभी दूसरे को काटने के लिए सांप होना पड़ा है नारायण, और कभी दूध देने के लिए गाय बैल होना पड़ा है नारायण, तो कभी बोझ धोने के लिए गधा मुख होना पड़ा नारायण, योनिषु योजिता अनेक योनियों में हमको भटकना पड़ा, लेकिन हमने देखा कि ये वासना तो कभी पूरी होती नहीं है, कहीं भी अंत है कहीं भी अंत है। एक नारायण एक सज्जन कहते थे, अभी महीने दो महीने की बात है, कि हमको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा भाई, कम से कम जो तुमको चाहिए उसकी एक लिस्ट बना दो। अब महाराज वो लिस्ट बनाने लगे तो पढ़ती जाए 20, 30, 40, 50, 100, 150, आखिर बस बस अब रहने दो, अब लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसको नारायण ये जो हम लोग कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, ये बड़े धोखे की बात होती है। इस वासना को तो जब छोड़ेंगे तभी छूटेंगे, और नहीं तो दूसरे को देख देख के कि उनके पास ये है तो हमको भी यही चाहिए। हम उनके साथ एक घर में यही गया था मैं, महाराज मैं तो भाभी और ननद दोनों आपस में लड़ रही थी। मैंने पूछा कि क्या बात है, ये मैं तो गया घर में, हमारा सेवा सत्कार करना चाहिए, और वो दोनों लाल लाल मुंह किए बैठी हुई थी, पुरुष ले गए थे, क्या बात है? तो मालूम हुआ कि ननद जी चाहती है कि हम साड़ी खरीद के ले आए, अरे भाई लाने दो। तो भाभी बोली कि इनके पास 300 साड़ी है महाराज, और बहुत साड़ी चाहते हैं। तो वो बोले कि भाभी के पास 500 है तो हमारे पास 300 क्यों रहे, आना रहे। अब ये दोनों में बातचीत, तो ये हम उनके बराबर हो जाए उनके बराबर हो जाए, ये वासना कभी पूरी नहीं होती है मनुष्य की। इसलिए मैंने सारी वासनाओं का तिरस्कार कर दिया है, क्योंकि आत्मदेव जो है ये तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, असंग है, और संसार की किसी वासना के साथ बंधे हुए नहीं है। सबसे बढ़िया बात है कि हम हैं नारायण, अपना अस्तित्व है, सत्ता है, और हम जानते हैं होश आवास में है, हम हैं और होश आवास में है, सत है इसका मतलब हुआ है, और चित है माने हमको होश आवास है, जानते हैं, इसके सिवाय हमको और कुछ चाहिए ही कुछ चाहिए ही नहीं हो नारायण। आपको मालूम है एक स्त्री है जोधपुर के पास, वहाँ से 20 मील दूर रहती है नारायण, वो न कभी कुछ खाती है न पीती है, केवल पानी नारायण शंकर जी को चढ़ा के थोड़ा सा जल, शुद्ध जल, उसमें भी कोई दूध दही भी नहीं, शुद्ध जल एक बार लेती है। और इस बात को हम समझते हैं 40-41 वर्ष हो गया, लोगों ने बड़ी बड़ी कठिन परीक्षा उसकी ली, बंद करके देखा महाराज, और वो बिल्कुल जिंदा है और चल के आती है 20 मील से चल के, जब हम जोधपुर जाते हैं कभी दर्शन करने के लिए आती है, सत्ती भाई उसका नाम है, और बिल्कुल गांव की स्त्री की तरह रहती है, कोई आगे पीछे नहीं है, वो कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये सब बिल्कुल डर है, बल्कि इकट्ठा करने में धन इकट्ठा करने में बड़ी तकलीफ होती है, फिर जब वो आ जाता है तो उसकी रक्षा करने में बड़ी तकलीफ होती है, और फिर अपने हाथ से खर्च करना पड़े तो हे राम नानी भर जाती है ना। हाँ, भले दूसरा कोई छीन के ले जाए तो ले जाए, लेकिन स्वयं खर्च करने का, स्वयं खर्च करके उसका सुख लेने का अभ्यास नहीं है, और जिनके आगे पीछे कोई नहीं है उन लोगों को भी हम देखते हैं नारायण,
एक आदमी के पास पहले कुछ नहीं था, वो केवल 100-200 रुपया भोजन के लिए आता था। फिर मैंने उसको 3-4 लाख रुपया कहीं से मिल गया, तो मिल जाने पर ये नहीं है कि उसमें से एक पैसा खर्च करे। न भाई है, न बाप है, न बेटा है, न बेटी है। उसका ख्याल ये है कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक तो इतना हमारे पास रहना चाहिए, मरने के बाद जो होगा तो होगा, देखा जाएगा। तो इस तरह से मनुष्य के महाराज मन की जो वासना है वो कभी क्षीण नहीं होती है। वो बताया और भूत ने कि हम तो सब वासना छोड़ दे और मौज से पड़े रहते हैं। कभी कोई ले जाए अपने माल में तो चले जाते हैं, रेशमी कपड़ा पहनावे तो पहन लेते हैं, हाथी पर चढ़ावे तो चढ़ लेते हैं, बढ़िया भोजन करावे तो कर लेते हैं, और कभी भूखे ही रह जाते हैं, धूल में लौटते हैं, नारायण मौज से जंगल में मंगल मनाते हैं। हमारी ये जीवनी है, हमको कभी दुखी नहीं होते। ये सुख दुख जो है ये तो मन का चक्कर है। सो महाराज दत्तात्रेय जी थे, वो प्रहलाद जी सुन के तो बहुत प्रसन्न हुए। सो उन्होंने कहा, देखो प्रहलाद, ये मेरी गुप्त रहनी है, मेरे दिल की ये बात है, तो मैंने तुम्हारे साथ कह दी कि हमको दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं है, मस्त रहते हैं। सो जो इस तरह से मस्त रहता है उसका कल्याण, उसका मंगल हो जाता है। अब आगे महाराज इस तरह संन्यास की जीवनी बता करके जब आगे बढ़े तो युधिष्ठिर जी ने एक प्रश्न कर दिया और बोले कि महाराज, आपने ये जो रहनी बताई और पूछी, उसको जो मजा मिलता है इस जीवन में और मरने के बाद जो उसकी गति होती है नारायण, वो गति हमको भी मिले, एक गृहस्थ आदमी को मिले, इसका क्या उपाय है? सो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी बोले कि देखो, ये एक बात तो ये है कि वासुदेवार परम साक्षात उपासित महामुनि, नारायण जो कुछ है सो अपना कुछ न समझे, सब भगवान का समझे। पहली बात यह है कि भगवान की चीज, भगवान की दी हुई, उनकी धरती, उनका पानी, उनकी आग, उनकी चांदी, उनका सोना, उनका रुपया, है नारायण, एक तो सब चीज भगवान की समझे और दूसरी बात यह है कि सत्संग में हमेशा रहे। एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम परदेश तो जा रहे हो लेकिन रहना किले में और सोना गद्दे पर और खाना हलवा पूरी। अब वो बेटे ने पूछा कि माँ हम परदेश में जा रहे हैं, वहाँ रोज महल कहाँ मिलेगा रहने को? तो बोले सत्संग में रहना, यही बड़ा भारी महल है, यही किला है, दुर्ग है, सुरक्षित रखता है। का गद्दा मिलेगा कहाँ सोने को? उनका बोले खूब परिश्रम करना, जब मेहनत मेहनत खूब करोगे तो जहाँ सो जाओगे वही गद्दा हो जाएगा। कब हलवा पूरी कब कैसे कहाँ मिलेगा? बोले खूब भूख लगे तब खाना, बिना भूख लगे मत खाना, जो खाओगे सो हलवा पूरी का काम देगा महाराज। सो गृहस्थ को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भूख लगने पर खाए और खूब मेहनत करे और सत्संग में रहे, उसके जिंदगी में कोई दुख नहीं आवेगा। हो वो मन जहाँ रहेगा वहाँ मस्त, जहाँ रहेगा वहाँ मस्त रहेगा। और ये जो संसार के संबंधी है आप वो तो बहुत होता है और गृहस्थों को तो सुनने में तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन ये शरीर के पसीने से जैसे धुएं पैदा होते हैं ना बालों में नारायण, और शरीर के पसीने से जैसे खटमल पैदा होते हैं काट में, इसी प्रकार भीतर के पसीने से ये बच्चे कच्चे दुनिया में पैदा होते हैं। कुछ बाहर का पसीना है और कुछ भीतर का पसीना है नारायण। किसी को कुछ मालूम नहीं है कि किसका कौन है और कौन सुख देगा और कौन दुख देगा। और ये जो रुपया पैसा दुनिया में आता है ये महाराज अपना तो बिल्कुल नहीं है,
क्योंकि हम तो उसको अपना मानते हैं और वो तो हमको अपना मानता नहीं है। चोर ले जाए तो उसके साथ जाने को तैयार। अरे बाबा, कुछ तो तेरे को प्रेम होना चाहिए कि मैंने कमाया है, घर में रखा है, तिजोरी में, तो हमको छोड़ के चोर के साथ क्यों जाता है। अब महाराज दूसरी दुकान में चला जाए, विष्या के हाथ में चला जाए, डाकू के हाथ में चला जाए और बिल्कुल रोता नहीं है। अरे ये रोता नहीं है। हमारे गाँव के पास ऐसे बोलते हैं कि एक आदमी को कभी रुपया मिला हो चांदी का, चांदी का रुपया मिला तो उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो बुलाने के लिए चला उसको मुट्ठी में लेके, और मुट्ठी में हो गया पसीना, पसीना हो गया, गर्मी का दिन था। अरे बोले कि अरे तुम रोते हो, राम राम, हमारे घर से जाने में तुमको रोना आता है, तो मैं मरी गई हूँ तो है ना पुनः हूँ नारायण। अब रुपया भी रोने लगा महाराज, आदमी का जब प्रेम होता है तो रुपया भी रोने लगता है। रोता राता कुछ नहीं है, वो तो तुमको महाराज दो कौड़ी का नहीं समझता है, चाहे तुम उसको कितना कीमती समझो। ये जो हीरा है, मोती है, पन्ना है नारायण, पैसा है, वो भी तुमको कुछ समझता है क्या? तुम तो एकांगी फंस गए नारायण। अब उसके लिए उसको तो किसी के घर जाने में, जैसे विष्या किसी के साथ मिलने में संकोच नहीं करती है नारायण, वैसे पैसा किसी के घर जाने में कोई संकोच करता ही नहीं है। सो इसमें ज्यादा ममता नहीं जोड़नी चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। जितने से अपने जीविका का निर्वाह हो जाए, जीवन का जितना पेट में जाता है उतना ही अपना है नारायण, उसके सिवाय अपना नहीं है। कब छिन जाएगा इसका कुछ? एक सेठ हमारी पहचान का महाराज, अभी ईश्वर की कृपा से जिंदा है, नाम तो हम नहीं लेंगे उसका नारायण। हमारे सामने उसके पास ये ख्याल था कि 20,000 रुपया हो जाएगा तो हम बम्बई छोड़ के वृंदावन में रहेंगे। हमारा 20,000 के लिए 2,00,000 हुआ, तब उसने वृंदावन में एक अपने लिए प्लाट बनवाया, अच्छा सा बढ़िया बनवाया। 20,00,000 की जगह महाराज करोड़ हो गया, करोड़ की जगह 5 करोड़ हो गया, 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ हो गया। ये सन 35 के बाद की सारी बात है। नारायण इकट्ठा करते करते हीरा मोती पन्ना सोना रखते रखते एक दिन छापा पड़ा तो महाराज सब का सब उठा के ले गए। अब ये हुआ कि इतना सरकार को दिखावेंगे कि मिला है, इतना हम लोग लेंगे और देखो तुमको भी थोड़ा बहुत दे देते हैं, तुम भी अपनी जीविका चलाना। क्या इस तरह से महाराज मामला तय हुआ। तो ये जो हम लोग इकट्ठा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसकी तरफ न करके अपना जो काम है ऐसो करना चाहिए। और ये जो घर में पत्नी रहती है महाराज, उसको भी केवल पलंग तोड़ने के लिए घर में नहीं होना चाहिए। जो अतिथि आवे उनका सत्कार करना। अब एकाम आत्मनोदाराम नृणाम स्वग्रह जता रहा। भागवत ने बताया कि आदमी को अपनी पत्नी से बड़ा मोह हो जाता है, बड़ा मोह हो जाता है नारायण। जज्ञात जदर्थे स्व प्राणान, आदमी उसके लिए मरने को तैयार रहता है, और अपने पिता भी अगर बुरी नजर से उसको देखें तो उनको मारने को तैयार हो जाता है, गुरु को भी तैयार हो जाता है। उस पत्नी ने भी मोह ममता नहीं रखनी चाहिए, और जो अभ्यागत अतिथि है उनके सत्कार में उसको लगा के रखना चाहिए। घूंघट के भीतर रखने के लिए स्त्री नहीं होती है नारायण। अगर इस तरह से महाराज निर्मम जीवन कोई गृहस्थ बता बितावे, तब उसको जो सन्यासी और भूतों को जो सुख मिलता है, जो सदगति मिलती है, वो मिल जाती है। और गृहस्थों को महाराज समय समय पर जो अमुक अमुक तिथि आती है उनमें व्रत करना चाहिए, दान करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। ये अष्टमी है, ये रामनवमी है, ये अमावस्या है, ये श्राद्ध पक्ष है। गृहस्थों को कोई न कोई बहाना बना के, कोई न कोई मौका निकाल के महाराज झूठ मूठ बहानेबाजी से भी नारायण अपना जो धन है उसको अच्छे काम में खर्च करना चाहिए।
और ये जो सृष्टि है ये तो छाया के समान भी नहीं है, जो कुछ है उसको भगवान के प्रति समर्पित कर दो और जो करो सो विश्वात्मा के लिए करो और सब में परमात्मा का दर्शन करो। इस तरह से ये जो भेद बुद्धि है ये क्षीण हो जाती है। इस आत्मा और परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। नारद जी ने बताया कि देखो मैं पहले गंधर्व था, बड़ा सुंदर बड़ा स्वस्थ, स्त्रियां तो मेरे पीछे पीछे लगी रहती थी, घूमती रहती थी, गाना बजाना इसी में हमारा जीवन व्यतीत होता था। सो महाराज एक दिन एक महात्मा के पास गया, गया तो महाराज वही स्त्रियां हमारे साथ साथ गई और वही भाव भाव कटाक्ष नखरा वही गाना बजाना। सो महात्मा ने कहा अभी तुम तो महात्मा के पास आने लायक नहीं है, जा तू पूत हो जा। तब मैं दासी के पेट से पैदा हुआ था और जब वहाँ सत्संग मिला और तब मैं ब्रह्मा का पुत्र ये नारद हो गया। सो जो लोग अपना जीवन भोग राग में बिताते हैं नारायण उनको नीच कोटि की गति प्राप्त होती है और जो लोग अपना जीवन सत्संग में बिताते हैं उनको उत्तम कोटि का जीवन प्राप्त होता है। और युधिष्ठिर तुम तो धन्य हो, तुम्हारे घर में स्वयं भगवान निवास करते हैं और बड़े बड़े ऋषि महर्षि उनके दर्शन के रूप से तुम्हारे घर में आते हैं। ये मत समझना कि तुम बड़े भारी सम्राट हो इसलिए तुमसे मिलने के लिए महात्मा लोग आते हैं। महात्मा लोग आते हैं भगवान से मिलने के लिए क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात भगवान मत्स्य लिंग है। धन्य हो तुम। युधिष्ठिर जी ने नारद जी का सत्कार किया, वो चले गए। अब इसके बाद आठवां स्कंद प्रारंभ होता है। नारायण ये आठवां स्कंद जो है ये 24 अध्याय का है बोला, और इसमें चार विभाग होते हैं। पहला विभाग तो है पुरुषार्थ का नारायण, और दूसरा विभाग है कि भगवान जीवों को क्या क्या रत्न देते हैं नारायण, और तीसरा विभाग ये है कि जीव भगवान को क्या क्या दे सकता है, और चौथा विभाग ये है कि इस धर्म में प्रमाण क्या है नारायण। तो पहले चार अध्याय जो है वो पुरुषार्थ के हैं। मन्वंतराणि सत्धर्म इसको बोलते हैं, सत्धर्म सत्पुरुष अपने जीवन में किस प्रकार के धर्म का पालन करता है। अब इस धर्म में महाराज जो विघ्न आता है उससे भगवान रक्षा करते हैं। मनु जी जो जन है नारायण स्वयं वो बोल, उन्होंने एक मन्वंतर पर अपने राज्य का पालन किया और अंत में वे अपनी पत्नी सतरूपा श्रद्धा और विचार दोनों को लेकर के नदी के तट पर चले गए और वहाँ उपनिषद का पाठ करते थे। जैसे ईशावास्य मिदम् सर्वम है, यही मंत्र है वो, आत्मावास्य मिदम् सर्वम् जगत जगत्याम जगत। वहाँ ईशा शब्द नहीं है, वहाँ आत्मा शब्द है। अपने आत्मा से आच्छादित कर दो इस सृष्टि को, तुम्हारे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये जो नानात्व दिखाई पड़ रहा है ये बिल्कुल गलत है। अब वो तो पढ़ने हो तो उपनिषद का करने लगे चिंतन और राक्षस लोग जो है वो उनके ऊपर टूट पड़े कि अब इनको खा जाए। बहुत राज्य किया है इन्होंने, हम लोगों को बहुत सताया है, बहुत दंड दिया है, अब हम इनको खा जाए। तो उसी समय भगवान ने यज्ञ अवतार धारण करके और उन असुरों को मार दिया और स्वयं को मनु की रक्षा की। अब महाराज जितने भी मन्वंतर होते हैं उनमें कोई न कोई एक विशेषता होती है। सब मनुओं में एक ऐसी चीज होती है जो मनुष्य के जीवन में अकेली भी आ जाए तो उसकी रक्षा हो जाती है। अब क्या हुआ कि एक थे इंद्रद्युम्न राजा। अब इंद्रद्युम्न राजा बड़ी पूजा पत्री करते थे महाराज, और उनको ये अभिमान हो गया कि अब हमारे सरिता कौन महात्मा है, कौन पंडित है, हम इतना बढ़िया तो चंदन लगाते हैं और ऐसी बढ़िया जटा रखते हैं और नारायण नंगे शरीर से रहते हैं, पूजा पत्री में जीवन व्यतीत करते हैं, बड़ा भारी अभिमान। क्योंकि महाराज ये जो गृहस्थ लोग हैं ना,
ये थोड़ा भी कुछ जान जाते हैं या समझ जाते हैं तो उनको अपनी जानकारी और अपने कर्म का बड़ा भारी अभिमान हो जाता है। वो अब एक दिन आए अगस्त ऋषि उनके पास, और अगस्त ऋषि आए तो बाहर बेंच पर बैठ गए। नौकर ने आके कह दिया, महाराज अभी तो पूजा में है महाराज, समय आने पर निकलेंगे। अब तो अगस्त ऋषि ने कहा, अच्छा इसको इतना अभिमान हो गया है, हाथी की तरह अभिमान, ऐसा हाथी हो जाएगा अभिमान। महाराज अभिमान जो है वही मनुष्य को नीचे गिराता है, क्योंकि अभिमान में बोझ रहता है। वो धन का बोझ, विद्या का बोझ, जाति का बोझ, अनुजायियों का बोझ, अभिमान के ऊपर बड़ा भारी बोझ लदा रहता है। तो उस बोझ के कारण अभिमानी पुरुष की गति जो है वो बिल्कुल निम्न कोटि की हो जाती है। अब वो हाथी हो गया, हाथी हो गया महाराज, तो भगवान की पूजा तो की थी, तो उसको ऐसी जगह रहने के लिए मिली महाराज जहाँ स्वच्छ जल का बड़ा भारी सरोवर है। नारायण, हाथी को तो पानी चाहिए, और वहाँ इतने फल और इतने केले के पेड़ थे महाराज, और बिना बोए जोते गन्ना वहाँ उगा करता था हाथी को खाने के लिए, और बड़े बड़े फल वहाँ होते थे, और हाथी और उसकी हथनी और बच्चे कच्चे भाई बिरादर उसको अर्थ की भी प्राप्ति हुई और भोग की भी प्राप्ति हुई। धर्म में अभिमान आ गया, इसलिए तो हाथी हो गए। हाँ, वो तो धर्म में दोष था, मनु के धर्म में दोष नहीं था तो भगवान ने रक्षा की, लेकिन इंद्रद्युम्न के धर्म में दोष था तो वो हाथी हो गया। और नारायण अब उसको भोग खूब मिला और धन खूब मिला, अर्थ और काम की प्राप्ति हो गई। एक दिन क्या हुआ कि जब सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था तो एक ग्राह आया। ग्राह माने महाराज, ये दुराग्रह जो मनुष्य के जीवन में होता है ना, न कुछ जाने न कुछ समझे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, कुछ रत्ती भर भी नहीं जानते हैं। और जो कोई इनके दिमाग में जो कुछ ठूस गया महाराज, नहीं तो महाराज मुसलमान मंदिर क्यों तोड़ते, नारायण हिंदू मस्जिद के सामने जाके बाजा क्यों बजाते, नारायण ईसाई दूसरों को ईसाई क्यों बनाते। अरे जो जहाँ है भगवान का बनाया हुआ उसको वही परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है नारायण, इसमें न धर्म बदलने की जरूरत होती है न मंदिर मस्जिद तोड़ने की जरूरत होती है, जो जहाँ है वही उसको परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जिसके दिमाग में महाराज जो दुराग्रह, इसको बोलते ग्राह, ये जो ग्राह है ये मनुष्य को पकड़ के पांव और नीचे को पकड़ लेता है नारायण। ये अन्यथा ग्रहण जो मांडुक्य कारिका में अन्यथा ग्रहण जिसका नाम है ना, उसी का नाम ग्राह है महाराज, ग्राह। बड़ा दुख, ये जो अपनी जिद है और थोड़ी जानकारी है, और ये जो दुराग्रह है, नौ ग्रह तो रहते हैं आसमान में, और नारायण आग्रह विग्रह संग्रह परिग्रह दुराग्रह ये सब रहते हैं भीतर, भीतर के ग्रह है ये सब, ये बहुत दुख देते हैं। अब ग्रह ने पकड़ा, लड़ाई हुई दोनों में, वो महाराज अभिमान की मूर्ति और वो दुराग्रह, छुड़ाते छुड़ाते नहीं छुड़ा सका, पानी में और चला जाए और चला जाए। अब हाथी आए बड़े बड़े और हथिनियां आई, और उससे किसी ने दाहिने पांव में, किसी ने बाएं में, किसी ने पिछले में, किसी ने अगले में, किसी ने पूंछ सूंड से फसाई, फिर उनकी पूंछ पांव दूसरों ने पकड़ा, और मीलों तक हाथियों की कतार लग गई कि उस गजेंद्र को खींच करके बाहर निकाल लें। लेकिन ग्राह तो महाराज बड़ा भारी ग्राह, अब उसको जब देखा कि अब हम नहीं बच सकते, सूंड ऊपर था डूबने लगा, सो उसने लिया हाथ अपने सूंड में कमल, और नारायण पुकारा भगवान को, भगवान हमारी रक्षा करो। नारायण जो है वो महाराज तुरंत गोविंद कहके उसने पुकारा, वो सुना उन्होंने बैकुंठ में, इतनी जल्दी लक्ष्मी जी की थाली सोने की एक ओर करी, लक्ष्मी जी को एक ओर हटाया, विश्वक्सेन का खड़ा एक तरफ हटाया। नारायण गरुड़ पर बैठे तो सही, लेकिन उनकी गति मंद देख करके स्वयं भगवान उछल के
फूट पड़े उस सरोवर में और जा करके महाराज गजेंद्र को उठाया और ग्रास सहित निकाल के बाहर कर दिया। अब ये हुआ कि देखो ये गजेंद्र तो हमारा भक्त है और इस भक्त का पांव पकड़ के ग्रास बैठा हुआ है, तो भक्त का जो भक्त है उसका उद्धार पकड़े होना चाहिए। तो महाराज ग्राहक विपाटित मुखा नारायण पहले ग्राह का मुंह जो है उसको चीर दिया और फिर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इंद्रद्युम्न के जीवन में चारों बात आई, वो धर्म भी आया, अर्थ भी आया, काम भी आया और अंत में मुक्त किया। तो ये जो इंद्रद्युम्न राजा था वो तो गजेंद्र हो गया था और पूजा के प्रभाव से मृत्यु के समय में भी उसकी स्मृति रही और उसने भगवान की बड़ी भारी स्तुति की और उसने कहा बस तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है, निषेध शेषु जयता दशेष और भगवान शिव कोई नहीं आया उसकी रक्षा करने के लिए, स्वयं नारायण ने आकर के उसकी रक्षा की। और ये जो ग्राह था महाराज तो पहले था गंधर्व, बड़ा सुंदर, बड़ा स्वस्थ महाराज, अच्छा जवान नारायण पानी में तैर रहा था, गुप्त की निगाह का तैरता वहाँ देवल देवी आए स्नान करने, तो जब पानी में उतरे तो पांव पकड़ के उसने खींच लिया और खींच लिया तो बोले अरे तू मगर की तरह काम करता है, जा मगर हो जा। अब देवल देवी के हिसाब से ये ग्राह मगर हो गया था नारायण। उसने तुरंत हाथ जोड़ा, महाराज बड़ी भूल हुई, गलती हुई, माफ करो। सो महात्मा का क्रोध तो क्षण भर का उन्होंने माफ कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा जा, जब भगवान गजेंद्र का उद्धार करेंगे तब तेरा भी उद्धार हो जाएगा। वो दोनों मुक्त हो गए महाराज। अब आगे का प्रसंग ये चलता है, मनवंतरों का वर्णन है। सब में नारायण भगवान का एक अवतार होता है और सब में सात ऋषि होते हैं और सब में देवता होते हैं नारायण, मनु पत्नी होती है और राजकुमार होते हैं और उनके द्वारा किसी में ब्रह्मचर्य का किसी में सत्य का स्थापन होता है बड़े बड़े मनुष्य। अब एक बार क्या हुआ महाराज कि इंद्र देवता जो है वो ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए, ऐरावत हाथी का रंग सफेद है, वो काले रंग का हाथी नहीं सफेद है और नारायण श्वेत वर्ण का हाथी है और उसके दांत दो नहीं है, उसके दांत चार है मतलब, और वो इंद्र की सवारी में रहता है। सो चढ़े हुए आ रहे थे कहीं से, उधर से आ गए दुर्वासा जी। दुर्वासा जी को एक ऐसी माला मिल गई थी कि जो कभी कुंभलाए नहीं और जिसके गले में रहे उसकी लक्ष्मी हमेशा बनी रहे और कभी मुरझाने वाली नहीं। तो दुर्वासा जी ने देखा कि इंद्र हम गरीब त्यागी महात्मा ये माला रख के क्या करेंगे, तो उन्होंने इंद्र के गले में पहना दी। अब इंद्र के गले में जो पहनाई तो इंद्र को नशे में थे चूर, नशे नशा पीने का ही नहीं होता, पैसे का भी होता है, वो कुर्सी का भी होता है, अनुजाइयों का भी होता है, चेलों का भी होता है महाराज। एक महात्मा है जब वो अपना परिचय देने लगते हैं तो कहते हैं 120 आश्रम हमारे भारत वर्ष में, हमारे 120 आश्रम बने हुए हैं। एक महात्मा बोलते थे हमारे जैसे सोने का छत्र और सिंहासन दूसरा किसी महात्मा के पास नहीं है। तो इन सब बातों का भी घमंड होता है महाराज, विद्या बुद्धि का भी अभिमान होता है, तो नारायण सुंदर शरीर का अभिमान होता है। अब इंद्र तो नशे में चूर, अभिमान के नशे में चूर। तो जो दुर्वासा जी ने माला पहनाई तो उन्होंने माला झट निकाली और ऐरावत हाथी को पहना दिया। अब ऐरावत हाथी वो भी मतवाला, उसके भी कानों के पास से मत जूता रहता था, वो भी नशे में ऐसो उसने अपने सूंड से माला खींची और धरती पर डाली और पांव से कुचल दिया। अब दुर्वासा जी ने कहा ओ मेरे देखते देखते ये बात जा, अब तुम्हारे राज्य में लक्ष्मी नहीं रहेगी, निश्चरी हो जाएगा तुम्हारा राज्य। अब लक्ष्मी हीन हो गया राज्य, पेड़ में फल नहीं लगे महाराज, नदी में पानी न बहे, नारायण देवता की कोई पूजा पत्री न करे, आहुति न गिरे और नारायण सब देवता
मनुष्य सुख के कांटे होने लगे, बड़ा भारी अन्याय अनर्थ संसार में होने लगा। तो देवताओं की पंचायत हुई और सब मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी तो सबका साथ देते ही हैं, वो सबको लेकर के क्षीर सागर के तट पर गए और वहां जाके भगवान की स्तुति की। और भगवान की स्तुति की कि महाराज ये सब पृथ्वी से लेकर के प्रकृति पर्यंत सारी सृष्टि आपका स्वरूप है, पशु पक्षी नारायण मनुष्य देवता दानव सब आपके अंग में है और इस समय देवताओं के हृदय का काल है, तो ये क्या हो रहा है। तो भगवान प्रकट हुए, अब सबकी आंखें तो चौंधी आ गई, लेकिन ब्रह्मा जी और शंकर जी दोनों ने दर्शन किया और दर्शन किया तो भगवान ने बताया कि देखो देवताओं, ये जो हर समय लड़ाई करने से ही कल्याण होता हो, अपना भला होता हो, ये बात बिल्कुल गलत है। जैसा समय हो उसके अनुसार काम करना चाहिए। जो देश और काल को नहीं समझता है और नारायण पत्थर से अपना सिर टकराता है वो मर जाता है। कोई इस समय दैत्यों की वृद्धि का समय है और वो बड़े संपन्न है, इस समय उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। यदि दुश्मन अपना बलवान हो तो उसके साथ संधि कर लेनी चाहिए और अपना बल बढ़ाना चाहिए। जब वो कमजोर हो जाए तब उसके ऊपर आक्रमण करना चाहिए। और नारायण बलवान शत्रु से लड़ोगे तो इसमें तुम्हारी हानि होगी, इस समय तुम लोग दैत्यों के साथ संधि कर लो। और जो कहें वो सफेद कागज पर हस्ताक्षर करके उनको दे दो और सब संत उनकी मान लो, जो जो संत करे। और नारायण जब समुद्र मंथन होगा मिलजुल के अमृत निकलेगा तब हम विचार करेंगे आपकी, अब इसके बारे में क्या करना चाहिए। एक दृष्टांत दिया हुआ है भागवत के मूल में, ये उसमें ये है कि एक सांप को मदारी ने पिटारी में बंद करके रखा था, तो महाराज सांप ने उस पिटारी को काट दिया। मैं बाहर आया तो सांप ने उससे बातचीत की, देखो भाई चूहा जी तुम तो हमारे मित्र हो, ये पिटारी काट दो तो हम निकल जाएंगे और नारायण हम तुम दोनों आनंद में रहेंगे। चूहे ने कहा कि तुम निकलोगे तुम पिटारी से छूटोगे तो हमको खा जाओगे। सांप ने कहा नहीं नहीं हम सर्व करते हैं, तुमको बिल्कुल नहीं खाएंगे। अब महाराज चूहा आ गया बातों में और उसने पिटारी काट दी। जब रास्ता बन गया तो चूहे सांप ने कहा आओ हम तुम दोनों यहीं रहेंगे, जो नारायण हम लोगों को खाना पीना मिलेगा इसी खाने के बातचीत करेंगे मित्र हैं। तो महाराज हम जब चूहा जाके पिटारी में घुसा तो गड़ाप से सांप ने उसको खा लिया। तो नारायण ही मूषकवत देवा हम बोले कि पहले काम बनाओ, संधि करो, ये मत देखो कि इसका नतीजा क्या होगा। तो महाराज देवता लोग वहीं से अपना अस्त्र शस्त्र छोड़ करके बलि जी के पास गए। पहले तो दैत्य लोग बहुत ही बिगड़े, इनको मारो इनको बांध लो, लेकिन भगवान ने तो बताया ही था महाराज संधि पत्र पर हस्ताक्षर हो गया कि जो समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा उसमें हम लोगों का बराबर बराबर हिस्सा होगा। अब तो अमृत मंथन की तैयारी हुई और मंदराचल लाना था तो किसी से आवा ही नहीं, जब लोग उठाने लगे तो हाथ पांव टूटने लगा, गिर पड़े किसी पर तो भगवान प्रकट हो गए और आके मंदराचल को गरुड़ पर रखा और रख के लाके समुद्र में डाल दिया। और समुद्र में डाला महाराज तो मंदराचल डूबने लगा, तो कच्छप बन करके मंदराचल के नीचे आए, अब ऊपर उठने लगा। ऊपर उठने लगा तो ऊपर से आके दबाया, दैत्य लोगों ने कहा हम तो सिर की ओर लगेंगे बड़े हैं, देवता लोग पूछ की ओर लगेंगे। देवताओं ने कहा हाँ इसमें कोई हर्ज नहीं है, अपना जहाँ काम बनाना हो वहाँ सिर झुका के काम हो तो कर लेना चाहिए और ऊंचा सिर करने से काम हो तो ऊंचा सिर करके कर लेना चाहिए, शान में तो आना नहीं चाहिए। अब महाराज हुआ ये कि सांप के मुंह से तो निकले जहर,
वहाँ तो दैत्य लोग मरे और वो जाए आसमान में बादल बने और जाके पीछे की ओर बरसे तो देवताओं के वो ठंडा मिले। लेकिन बहुत मंथन करने पर भी महाराज अमृत नहीं निकले, नीचे कच्छप ऊपर भगवान दबाए हुए और इधर देवता दैत्य दोनों में उनके शरीर की शक्ति है नारायण, फिर भी अमृत नहीं निकले। तो विघ्नेश्वर विधि हुई, गणेश जी की पूजा करवाई गई। अब गणेश जी जब प्रसन्न हुए तब फिर मंथन हुआ। अब मंथन हुआ महाराज तो सबसे पहले विष निकला। ये विष जो है ये भी एक रत्न है सृष्टि का, हो इसी के द्वारा तो रोगों के निवारण की सारी औषधियां जो है दवाएं जो है वो बनती हैं। इसी के द्वारा कई प्राणियों की रक्षा होती है। अब महाराज विष को देख के तो सब लोग डर गए। अब समुद्र मंथन बंद हो गया, बंद हो गया। अब शंकर जी की शरण में सब लोग गए कि महाराज ब्रह्मा जी ने हमारी मदद की तो भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने मदद की तो समुद्र का मंथन हुआ। अभी आप जरा मस्ती में पड़े हैं, आप हमारी मदद कीजिए, क्या करें, कहीं जो विष निकला है उसको आप पी लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, भवानी को बुलाया, देवी को, देवी को बुला, कोई इतना बड़ा काम करना हो महाराज, समुद्र से निकला हुआ हलाल विष पीना हो और घर वाली से सलाह न ली जाए तो घर में घुसने देगी थोड़े, नारायण घर में घुसने ही नहीं देगी, नाराज हो जाएगी। तो पूछे कि देवी क्या करना चाहिए, ये प्राणी संसार के बड़े दुखी हो रहे हैं, जैसे इनका कल्याण हो जैसे इनका मंगल हो वैसा करना चाहिए। भाई सत्पुरुष जो है उनका ये स्वभाव होता है कि बड़ा से बड़ा दुख जो आवे उसको वो सह लेते हैं। तो हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, देवी ने कहा पी जाओ कोई बात नहीं है। तो शंकर जी महाराज ने सारा हलाहल विष पी लिया, जो छीटा वीटा पड़ गया वो धरती पर आया। अब जब विष पी लिया उन्होंने तब समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। अब फिर भी जल्दी न निकले कुछ महाराज, तो स्वयं भगवान ने अपने को बड़ा भारी किया और एक हाथ से देवताओं की ओर और एक हाथ दैत्यों की ओर लगा करके स्वयं वासुकी नाग से मंदराचल से नारायण समुद्र का मंथन करने लगे। अब उसके बाद तो महाराज गाय निकली, काम धेनु ब्राह्मण लोग आए, पहली चीज हमको है, विष्णु भगवान मुस्करा गए, बोले कि पहली चीज तो विष निकली थी उस समय आप लोग नहीं आए महाराज, अब गाय निकली तो आए हैं। इस तरह से महाराज बाद में उच्चे सर्वा घोड़ा निकला तो बलि ने कहा हमको चाहिए, दावत हाथी निकला तो अब तो इंद्र को मिल गया। अब बलि पछताने लगे कि आया मैंने पहले घोड़ा क्यों लिया, अगर पहले मैं नहीं देता तो हाथी हमको मिलता। उसके बाद कौतूहल बलि निकला तो उसको भगवान ने ले लिया और उसके बाद महाराज और बहुत सारी चीजें जो रत्न है सृष्टि के रत्न है महाराज, गाय जो है एक रत्न है, घोड़ा एक रत्न है, हाथी एक रत्न है, मणि हीरा मोती का एक रत्न है। इसके बाद महाराज कल्प वृक्ष मिला तो स्वर्ग में अपने आप चला गया, अप्सराएं निकली वो स्वतंत्र हो गए। इस सब तरह से मंथन हो ही रहा था कि महाराज लक्ष्मी जी की जरा भगवान से बातचीत हो गई थी। वो क्या बात हो गई थी कि लक्ष्मी जी ने कहा कि हे हो सब लोगों की वर्षगांठ मनती है, ब्याह की वर्षगांठ मनती है, अब महाराज पुरानी तो नहीं है, समुद्र की बेटी, कोई वन की बेटी होती है, कोई समुद्र की बेटी होती है, कोई पहाड़ की बेटी होती है, पहाड़ की बेटी है गौरी, पार्वती जी पहाड़ की जंगली पहाड़ की बेटी है पार्वती है, और नारायण ये लक्ष्मी जी जो है ये समुद्र कन्या है। तो हम लोगों को कहा ब्याह कब हुआ मालूम नहीं है, अगर मालूम हो जाए तो ब्याह की वर्षगांठ को मनाओ। तो बोले ठीक है बहुत बढ़िया, समुद्र मंथन इस समय हो रहा है, जाओ तुम समुद्र में एक डुबकी लगाओ, डूबने का तो डर नहीं है और निकल के आ जाओ। कहिए हुआ कि समुद्र लक्ष्मी का जन्म हुआ। ये आठवें स्कंद के आठवें अध्याय के आठवां श्लोक है, हो ततश्चाभूत साक्षात और रमा श्री रूप तत्परा। लक्ष्मी जी जो है
वो प्रकट हुई। आप उनको देख करके तो सबसे संमुग्ध हो गए, कहे हमको चाहिए, ये हमको चाहिए, देवता कहे हमको, दैत्य कहे हमको, बड़े बड़े बुद्धि ऋषि महाराज सफेद बाल वाले जो थे ना, तो वो भी आगे पंक्ति में खड़े हो गए कि हमको चाहिए है। अब तो लक्ष्मी ने देखा हमको, तो हाथ में बरमाला लिया और बोले सब लोग पंक्ति से खड़े हो जाते। अब ब्रह्मा जी मिले, अरे ये तो बुद्धा है, राम राम सफेद दाढ़ी, इसके साथ ब्याह करें क्या करेंगे। नारायण का बृहस्पति बड़े भारी बुद्धिमान तो हैं, लेकिन ये तो बड़े मोही हैं, नारायण इनसे भी ब्याह नहीं करेंगे। अपने को न चाहने वाले स्त्री के पीछे जिंदगी भर पड़े रहे, ये तो ब्याह करने लायक है। शुक्राचार्य कहे तो काने हैं, नारायण इनसे भी ब्याह नहीं करेंगे। अब वो महाराज काटती जाए काटती जाए सबको। दुर्भाषा आए बोले क्रोधी है। अब महाराज का शिव कहे तो नशन रहते हैं। अब एक ही को काट की जाए। अब फिर एक बार उसकी नजर गई महाराज लक्ष्मी की समुद्र की तरफ। अरे ये दूध का समुद्र सफेद सफेद, उसमें वो क्या काला काला दिख रहा है, पीला पीला दिख रहा है, उसमें है क्या। तो बोले कि मंथन करते करते समुद्र का विष्णु भगवान थक गए हैं, तो आराम कर रहे हैं। ऐसा तैरना जानते हैं महाराज कि उनको हाथ पांव खींचने की जरूरत नहीं, मुर्दे की तरफ पड़ जाते हैं समुद्र पर, तो आराम कर रहे हैं। समय पीतांबर चमक रहा है और सांवरापन दिख रहा है। तो बोले तो उसको क्या हमसे ब्याह करने की इच्छा नहीं है। नहीं, उसको किसी की कोई इच्छा नहीं होती, वो तो पूर्ण है। तो बोले बस बस हमको ऐसे ही पति चाहिए महाराज जो पूर्ण हो, निष्काम हो, तो अपने आप ही समुद्र पर चल के गई और जाके महाराज पांव दबाया। जब पांव दबाया तो विष्णु भगवान ने जरा हाथ खोल के तिरछी नजर से देखा, मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा दिया तो लक्ष्मी जी ने वरमाला उनके गले में पहना दी। बोले अभी तो हम आराम कर रहे हैं देवी, जरा तुम भी आराम कर लो। नारायण सो हो, हम कहाँ आराम करें, पानी में डूब जाएंगे समुद्र में। कहने तुम वहां नहीं, हमारी छाती पर आराम करो, वक्ष स्थल पर। सो वहां लिटा दिया उनको, अपने वक्ष स्थल पर हमेशा के लिए स्थान दे दिया। अब तो मंगल ही मंगल सृष्टि ने हो गया, लक्ष्मी जी का जब अवतार हो गया और विष्णु भगवान, विष्णु माने सर्वव्यापी, सबके लिए लक्ष्मी होती है, एक के लिए लक्ष्मी नहीं होती है। जो विवाह हुआ महाराज सारी सृष्टि में मंगल मंगल। अब थोड़ी सी बात और रह गई है, अब उसको आपको सायंकाल सुना।